खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक विशेष सत्र है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का विशेष सत्र लगातार 36 घंटे चलेगा। 11 बजे आज शुरू होगा इस सत्र और 3 अक्टूबर की रात तक चलेगा यह सत्र। आपको बता दें कि इस सत्र में विपक्षी दलों की भागीदारी को लेकर संशय जो है वो बरकरार है। तो इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र है और आपको बता दें कि इस विशेष सत्र में वो 36 घंटे चलेगा ये विशेष सत्र। और आज यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर 11 बजे ये सत्र शुरू होगा और 3 अक्टूबर की रात तक ये सत्र चलेगा। और आपको बता दें कि विपक्ष दल जो है उनकी भागीदारी को लेकर संशय जो है वो बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर सत्र जो है आज विशेष सत्र चलाया जा रहा है। विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज विशेष सत्र है। आपको बता दें कि 36 घंटे ये विशेष सत्र बुलाया गया है और मंत्री बैठक है। और आपको बता दें कि आज सत्र में विपक्षियों का दलों का आना थोड़ा संशय में है। तो आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 36 घंटे का विशेष सत्र बुलाया गया है। और आपको बता दें कि 36 घंटे ये सत्र चलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमसे जुड़े हैं। कौशलेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज विधानसभा में 36 घंटे का विशेष सत्र रखा गया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है इसके उपलक्ष्य में रखा गया है, क्या कुछ अहम जानकारियां मिल पा रही है इस खबर को लेकर के? देखिए, आपको बताएं कि ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है जो लगातार 36 घंटे तक चलेगा और इस विशेष सत्र में 16 सतत विकास कार्यों का जो खाका खींचा जाएगा जिसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके महात्मा गांधी की जो सोच थी, जो उनकी नीति थी, उसको लेके विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। जैसे गरीबी उन्मूलन, उसके बाद अगर बात करें भुखमरी जो फैली, जो भुखमरी से अभी मौत हो रही, आज़ादी के 73 साल बाद भी अगर भुखमरी जिस प्रदेश में अगर मौत हो रही तो उसके लिए भी आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन जो इस सत्र के माध्यम से है उसको समाप्त करने के लिए विजन 2030 में रखा जाएगा। 2030 तक ये सब समाप्त हो जाने चाहिए। वहीं लैंगिक समानता अगर बात की जाए, चाहे महिला पुरुष और थर्ड जेंडर को लेकर उनके जो असमानता उसको लेके जो है एक चर्चा होगी कि इसको समाप्त कैसे किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश अगर शिक्षा के सूचकांक में सबसे निचले पायदान पे है, इसलिए सबको जो है सुलभ शिक्षा और सुरक्षित शिक्षा, जो कि सबको शिक्षा देने का एक कार्य किया जाएगा इस विशेष सत्र में, उसका भी चर्चा किया जाएगा। और जो बात की जा रही है कि जैसे उद्योग को लेके, उत्पाद को लेके तमाम चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में अटकले, क्योंकि यूपी इन्वेस्टर समिट में जो कार्यक्रम हुए थे उनको लेके आखिर में उत्पाद जो उत्तर प्रदेश का हो रहा है, उत्पादन की जो शक्ति है वो कहाँ तक आखिर में कहाँ तक पहुंची है, उसको भी लेके चर्चा की जाएगी। और जो जैसे आप देखिए शिक्षा पे के साथ साथ जैसे शहर में सुरक्षित, उसके बाद जो ग्रामीण परिवेश में और शहर में जो असमानता फैली है उसको दूर करने का काम इस विशेष सत्र के माध्यम से किया जाएगा। और इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण बातें रहेगी कि जो 150वीं जयंती जो गांधी जी की मनाई जा रही है उसमें विशेष तौर पे सभी मंत्रियों और जो राज्य मंत्री हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा। हालांकि विपक्ष अभी तक इस सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं, अभी संशय बरकरार है कि सत्र में शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सबको आमंत्रित किया था। लेकिन जो सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा की जो बैठक हुई थी उसमें क्योंकि विपक्ष के लोग नहीं थे इसलिए संशय है कि हो सकता है कि वो लोग नहीं, और वहीं क्योंकि कांग्रेस की प्रभारी जो प्रियंका गांधी है उत्तर प्रदेश की,
वो आज 11 बजे पदयात्रा निकालेंगे और समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने उनके जी। भजन करेंगे। एक जो पार्टी की नीत उनकी जो है वो कहती है, लेकिन इस विशेष सत्र के माध्यम से एक अच्छा संदेश जाना चाहिए उत्तर प्रदेश में। जो 16 सतत विकास कार्यों खागा खींचने का कार्य किया जाएगा, जी जैसे किफायती ऊर्जा, आधुनिक ऊर्जा पे, जैसे सौर ऊर्जा, तमाम चीजें अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं, बिल्कुल तो उसको लेके चर्चा की जाएगी। ये पहले हर व्यक्ति तक पहुंच जाए कम से कम, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, इस पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो उद्योग उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसको जी लेके चर्चा की, अगर उद्योग जो आए हैं या जो औद्योग आने हैं उनको लेके एक चर्चा की जाएगी। और शिक्षा उन्मूलन से लेके तमाम चीजें जो हैं आज इस विधानमंडल सत्र विशेष सत्र में रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। और जो प्रस्ताव जो रखे जाएंगे उस पर मोहर लगनी है, क्योंकि जब यहाँ से विधानसभा का सत्र जब शुरू होता है तो जो तमाम चीजें होती हैं सामने बिल्कुल आती, उत्तर प्रदेश में जो भी चीजें हैं, जो भी घटनाएं हुए हैं उनको लेके चर्चा की जाती है। और विपक्ष अगर नहीं है इसमें तो एक संशय की बात है कि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो विशेष सत्र में थोड़ा कमी खलेगी उनकी। हालांकि जो ये आयोजन बीजेपी सरकार कर रही है वो गांधी जयंती के विशेष अवसर पे की जा रही है। बिल्कुल कौशलेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं 150वीं जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये जो सत्र रखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ राज्य मंत्रियों की भी आज बोलने का मौका मिलेगा। और विकास कार्यों, सतत 16 विकास कार्यों की बात की, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा। बात अगर विपक्षियों की करूं कौशलेंद्र, तो क्या वजह है कि विपक्षी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं सत्र में? क्यों आखिर वो सत्र का हिस्सा बनना नहीं चाह रहे हैं? देखिए आपको बताएं, क्योंकि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और उस जयंती को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, हर अपने तरीके से अपने उनका जयंती मनाने का अंदाज होता है। तो जैसे अब कांग्रेस के जो है प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश में है तो जो उनके विधायक हैं, उन विधायक मंडल दल के जो नेता हैं वो उनके साथ रहेंगे, पदयात्रा में रहेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा किया था कि हम महात्मा गांधी की जयंती पर हम उनके भजनों का जो है भजन करेंगे, उनके जो गाए गए भजन है उनका हम उनके प्रतिमा के सामने करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं, विधायक हों, तमाम वो गांधी प्रतिमा के पास रहेंगे। हालांकि इस सत्र को लेके उन्होंने कयास लगाया था कि अगर ये विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है और इस जयंती पे, क्योंकि सभी पार्टियां इस जयंती को मनाती हैं, जो महात्मा गांधी की जयंती है उसको सभी पार्टी अपने तरीके से और अपने जो उनकी कल्पना होती है अपनी भावना में उसको लोग उतारते हैं, तो उनका एक सोच है कि हम अपने तरीके से मनाएंगे, सरकार जो कर रही हो सरकार करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र तमाम जानकारियों को बताने के लिए। तो उस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 36 घंटे का विशेष सत्र जो है वो अब बुलाया गया है आज विधानसभा में। आपको बता दें कि आज 11 बजे से ये सत्र शुरू होगा और कल यानी कि 3 अक्टूबर रात तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दें कि हृदय नारायण दीक्षित ने, ये जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस सत्र को बुलाया था और विपक्षी दलों को भी उन्होंने इसका बकायदा बुलावा भेजा था। लेकिन जिस प्रकार से अभी भी संशय जो है वो बरकरार है विपक्षी दलों में कि आखिर वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमारे सहयोगी संवाददाता लखनऊ से कौशलेंद्र उपाध्याय ने बताया कि 16 सतत कार्यों को लेकर आज चर्चा हो सकती है, जिसमें स्वास्थ्य महकमा भी है, शिक्षा व्यवस्था भी है, शिक्षा उन्मूलन का भी है, और कहीं ना कहीं जो महात्मा गांधी के विचारों को, उनके आदर्शों को भी आज कहीं ना कहीं इस विशेष सत्र में सुनने का मौका मिलेगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर